हेलो yes! जो भी चकाचौंध वाली पत्नियां थी उनमें से 80 परसेंट छोट गई स्टार होटल में लंच नहीं करता है? मैं तो रिलैक्स आप ही बोरी बनके खा रहे हो आप रिलैक्स नहीं मैं बिल्कुल रिलैक्स सर पेट पे रख सादगी और यादगार के लिए लक्ष से मेमोरेबिलिटी छूटती है जब आप सिंपल होते हैं हलो आपकी सिंप्लिसिटी जब मैंने अरविंद केजरीवाल के तीन एग्जाम्पल दिए आपने नाम सीधा लिया क्योंकि वो मेमोरी छोड़ रहे थे सादगी मेमोरी छोड़ती है और चकाचौन सिर्फ कंपटीशन छोड़ता है आप देख लो भाई सादगी का बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया में विश्व के अलग अलग परिवेश के लाखों विवाहित लोगों के जोड़ों के ऊपर रिसर्च कर लो जो भी चकाचौन वाली पत्नियां थी में से 80 परसेंट छोड़ गई और टिकी कौन देसी माल वही घर पे टिका हुआ है वही परमानेंट है वही फॉर एवर है भारतीय देसी चकाचौन, हर फिल्म एक्टर को उठा लो सालों की एक नहीं क्योंकि चकाचौन नहीं टिक सकती जब आपकी ड्रेस बहुत फैंसी होती है ना बहुत फैंसी अब आप दोबारा नहीं पहन सकते बोलो yeah. सिंपल को आप रिपीट 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 सिंप्लिसिटी जीवन भर उठाएगी और लीडर बनाएगी पहले के मकानों में अब से कुछ साल पहले के मकानों में डिजाइन देखो ऐसी इस ऐसी है राजा महाराजों से लेकर अब तक डिजाइनों के ऊपर जितना मकान पे पैसा खर्च उतना डिजाइनों पे अब आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मकान बनते हुए नजर आएंगे सिंपल सिंपल नो डिजाइन जितना सिंपल सोबर रहेगा उतना अच्छा लगेगा सिंपलिसिटी यादगार होती है आपकी बातें आपकी हरकतें जब आपके क्लाइंट के साथ आपका जीवन आदान प्रदान होता है बातें आदान प्रदान होती है ट्रांजेक्शन होता है आपको पता ही नहीं चलता कब मेमोरी ले, ले ली क्लाइंट ने कब मेमोरी ले ली किसी ग्राहक ने कब मेमोरी ले ली आपकी टीम के लीडर ने पूरे विश्व में सिंपलिसिटी राज करती है नेल्सन मंडेला सिंपल था गांधी जी सिंपल थे आप एक कल्पना करो जिस वक्त पूरे देश में हिंसा का तांडव हो रहा हो मारकाट से कम बात नहीं बन रही हो और अत्याचार और शोषण का आतंक हो उस टाइम को ये हिम्मत कर सकता है दो कपड़े पहन के भारत माता की जय बिना हथियार के ये हिम्मत कर सकता है सादगी से फटती थी अंग्रेजों की डरते थे सादगी से मेमोरी छोड़ती है सादगी आपके जीवन में जब जब कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास प्राकृतिक जीवन होगा आप बहुत आगे जाओगे भाई मेमोरी छूटेगी मैंने जितने एग्जाम्पल दिए आपको सब वो हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं अभी मैं एक ग्रुप की ट्रेनिंग करने गया इंडिया में टॉप बड़ी कंपनियों में से एक है कई चीजों में डील करते हैं बड़ा ग्रुप है हजारों करोड़ का तो उन्होंने मुझे एक महीने पहले बुक किया पेमेंट आ गया सारी चीजें हो गई पाँच दिन पहले फ़ोन आया पाँच दिन पहले फ़ोन करते हैं सर हमारे सेठ जी ने आपकी वीडियो नहीं देखे थे इस एक महीने में, में बहुत वीडियो देखे वो दिल आपसे मिला चुके हैं वो चाहते हैं आप उनके साथ लंच करिए मैंने कहा सर मेरे साथ लंच करना लगभग इम्पॉसिबल है हैं सर हमारे सेठ जी के साथ लंच करने के लिए लोग सपने देखते हैं कोई बात नहीं सर बहुत मुश्किल है कैसे मुश्किल है मैं फाइव स्टार होटल में लंच नहीं करता हैं नहीं करता जहाँ नॉनवेज बनता है जिस रसोई में उसमें लंच नहीं करता है तो फिर क्या करें मैंने कहा बहुत मुश्किल है बहुत टफ है मेरे साथ लंच करना आपका बहुत टफ है और अगर आपने पूरी ताकत लगाई तो बहुत आसान है क्या बात करते हो उन्होंने सारे सोच ढूंढ लिए फाइनली उनको करना क्या पड़ा क्योंकि जहाँ होटल थी जिसमें ट्रेनिंग थी वो उनका ऑफिस तो अगल बगल में और घर था वहां से इतनी दूर कि मैं वहां पहुँच नहीं सकता था क्योंकि तीन बजे लैंडिंग थी और छह बजे की ट्रेनिंग थी घर से खाना बन के आया परिवार ने खाना मिलकर बनाया उन्होंने अपने बेटे को बिठाया अब जो कहना है वो सुनो ये सारी बातें उनको मेरी सिंपलिसिटी अट्रैक्ट करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है और करते जाने के बाद बेटे को बिठाए कि साहब ये है मेरा उत्तराधिकारी जो आने वाले भविष्य को संभालेगा खुद बैठ गए मैं बैठ गए अब सोफे पे बैठे मैं यहाँ बेटा यहाँ वो यहां अब सेंटर टेबल पे खाना रखेंगे तो खाना ऊपर आएगा क्या सेंटर टेबल नीचे रहती है वो सब यूं झुक के खा रहे खाना मैंने प्लेट में भोजन लिया और सीधा हो गया उन्होंने कहा ऐसे क्यों खा रहे हो सर आराम से रिलैक्स हो के मैंने कहा मैं तो रिलैक्स हूँ आप ही गोड़ी बन के खा रहे हो आप रिलैक्स नहीं हो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ आप ही परेशान होकर खा रहे हो मेरी तरह आप भी रिलैक्स होके खाओ ओके okay. अब उन्होंने मुझे बील का जूस परोसा मैंने बोला सर बील का जूस वाओ अपने खेत के हैं क्या अब जो उन्होंने लाइन बोली पंद्रह हजार करोड़ की एनर्जी के साथ सबसे बड़ा मजाक पंद्रह हजार करोड़ की तबाही बोलने वाली अगली लाइन सर बिल पेड़ पे लगते हैं। <laughs> आप हंस तो रहे हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हंसना किन किन चीजों पे चाहिए फिर मैंने पूछा कि आपकी जो पूरी फूड चेन है वो कहाँ से आती है दूध बाज़ार से दही छाछ बाज़ार से गेहूँ बाजार से पनीर बाजार से फल बाज़ार से सब्जियाँ बाजार से और बाज़ार में आती है सांगानेर के गंद नाड़ों के पानी से बनी हुई सब्जियाँ उनसे बना हुआ फल फूल सीवर लाइन में डायरेक्ट लगे हुए नाड़ों से सीधी आपकी गोभी आती है आप कहते हैं आज गोभी बहुत टेस्टी बनी है अब मैं आपको ये कह रहा हूँ वो पंद्रह हजार करोड़ वाला सुखी एक आदमी अपने खेत पे ये सब उगा के शांति से मस्त जिंदगी जीने वाला अरे रे पंद्रह हजार करोड़ के बाद गाय नहीं है खेत नहीं है राजी जी फल नहीं है सब्जियां नहीं है कैंसर खा रहे हो अरे इससे बड़ा ऊर्जा का अपमान क्या होगा भाई आपको आज इसलिए कह रहा हूँ कल करोड़ों के मालिक बनोगे आज से अगर अपनी बुनियाद सही नहीं की आपका करोड़ों बर्बाद है आपकी एनर्जी पूरी बर्बाद है एक रियल लीडर अगर हजारों लाखों के ऊपर इंपेक्ट डालना चाहता है आपको जीवन को सिंपल रखना होगा एक आदमी जो सिंपल प्राकृतिक जीवन जीता है वो रियल लीडर होता है प्राकृतिक कितने लोगों ने कई बार खुले मैदानों में जो गाय गोबर कर जाती है उस गोबर को कई दिन हो गए पड़े हुए और वो गोबर दस दिन में पंद्रह दिन में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है ये देखा है कई लोगों ने कैसे बोलो ऐसे बोलो बोलो इधर से कोई आवाज आई अच्छा अच्छा ओके ओके और बोलो साउथ अफ्रीका की सच्ची घटना बताता हूं भाई साउथ अफ्रीका में दो दिन में चौबीस इंच बारिश हो गई जैसे ही किसी देश राज्य शहर में दो दिन में चौबीस इंच बारिश हो जाए तो वो पांच फीट डूब जाता है शहर इतनी बाढ़ आ जाती है पूरा शहर डूब गया लगभग साउथ अफ्रीका का एक शहर बड़ी केस स्टडी है ध्यान से सुनना वो लगभग डूब गया तो वहां के प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री ने उस शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर से दौरा किया ऐसे करते है? जब दौरा किया तो पूरा शहर डूब रहा और एक टापू जैसी जगह पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ रही पानी के बीचों बीच लगभग 500 एकड़ उन्होंने कहा पानी कैसे नहीं आया यहां पानी कैसे नहीं आया कि सर ये एक आदमी का खेत है और ये बहुत अलग आदमी है ये बहुत कुछ भारी है पूछा भाई अरे इसको बुलाओ पूछो क्या लफड़ा है उस आदमी का नाम था जॉन जॉन डाई जॉन जॉनडाई ने पूरे जीवन खेती के सिद्धांत दुनिया को सिखाए प्राकृतिक जीवन उसने कहा मैंने पूरे जीवन इस खेत में यूरिया नहीं डाला पूरे जीवन इस खेत में मैंने कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला पूरे जीवन इस खेत में मैंने ट्रैक्टर नहीं चलाया मशीन नहीं लाया ये नेचुरल जमीन है और नेचुरल जमीन जंगल हो जाती है जंगल में कभी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है पानी देना पड़ता है कभी कटिंग शटिंग करनी पड़ती है इसका मतलब नेचुरल जीवन कुछ बड़ा करता है तो कि इससे क्या होता है इससे वो होता है जो प्रकृति में सबसे जबरदस्त होता है क्या होता है जमीन से 20 फीट नीचे दुनिया का सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाला कीड़ा होता है उसका नाम होता है डंग बीटल याद रखना डंग बीटल जीवन भर काम में आएगा क्योंकि ये धरती का सबसे प्राकृतिक है डंग तो गोबर होता है और बीटल उसको खाने वाला होता है डंग बीटल ये बीस फीट नीचे रहता है और ये सूंग लेता है मेरी धरती के ऊपर बीस फीट ऊपर सब कुछ नेचुरल है ये वहां से प्रकट होकर ऊपर आता है ये उसको खाता है और कितना खाता है शरीर से सौ गुना ज्यादा सामान खा लेता है डंग बीटल 100 शरीर जो है ना उससे सौ गुना सामान अब जाता है ये चालीस फुट गहरा हेलो yes. कितना फुट आया कितने से था और अब कितना जाएगा चालीस फिर आता है अब शरीर से फिर सौ गुना खाता है अब की बार जाता है अस्सी फिट गेरा फिर आता है शरीर से सौ गुना वापस गोबर खाता है और फिर जाता है एक सौ साठ फीट ऐसे उसकी जमीन में करोड़ों डंग बीटल थे भूमि में इतनी सीरे थी जैसे ही पानी आया धम पूरा पानी जमीन में रिचार्ज हो गया 500 एकड़ में बाढ़ नहीं आई शहर में बाढ़ आ गई पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी प्राकृतिक आदमी कभी तबाह नहीं होगा सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सादगी हमेशा यादें छोड़ती है मेमोरी ले लेती है